दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने एंड्रॉइड मोबाइल में रियल WWE 2K17 गेम को चला सकते हैं। दोस्तों कोई मॉड नहीं है, मैंने मॉड्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, बट आज मैं आपके लिए रियल WWE 2K17 गेम एंड्रॉइड मोबाइल में कैसे चलाना है वो मेथड लेके आया हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल से नए हैं तो वीडियो के नीचे आपको ऐसा रेड बटन दिखेगा, उस पर प्रेस कीजिए और साइड को ऐसा बेल आइकॉन आएगा उसे भी दबा देना। इससे क्या होगा, जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगी और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ वो 100% वर्किंग है और आप सभी लोगों के मोबाइल में वर्क कर जाएगा। मैं कोशिश करूंगा समझाने की और जो सेटिंग में आपको बताने वाला हूँ वो ठीक से देखिएगा वरना आपका गेम नहीं चलेगा और स्टार्ट भी नहीं होगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं इस पे काफी दिनों पहले भी वीडियो बना सकता था, आप लोगों ने बोला था कि इस पे वीडियो बनाओ, बट स्टिल मैंने नहीं बनाया था क्योंकि जो दिक्कत थी वो भी मैंने आपको बताई थी, बट अब वो सॉल्व हो चुकी है तो आपका भी ये गेम आसानी से चल जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे फ्यूचर में भी मैं इसके और भी मॉड्स बताऊंगा क्योंकि इसमें टाइम लिमिट वगैरह भी होता है तो वो भी हम फ्यूचर में रिजॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों गेम चलाने के लिए जो APK आपको चाहिए वो पहले डाउनलोड करने के लिए काफ़ी दिक्कत थी, बट अब ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो आप प्ले स्टोर में आइए और प्ले स्टोर में आके सर्च कीजिए ग्लाउड गेम्स। तो आप जैसे ही ग्लाउड गेम्स सर्च करोगे नीचे आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, आपको ये बीटा वर्जन दिख जाएगा ग्लाउड गेम्स अनरिलीज, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं जल्दी से आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। दोस्तों तो अभी APK इंस्टॉल हो चुका है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ और आगे की जो प्रोसीजर है वो पूरी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं ओपन करता हूँ इसे और ओपन करने के बाद ये कुछ देर लोडिंग ले सकता है, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन पे। तो इस तरह की कुछ लोडिंग होगी, चाइनीज में कुछ लिखा आएगा और ऊपर क्लाउड गेम्स लिखा आएगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, गेस्ट और साइन इन और साइन अप। ठीक है, तो आपको साइन अप करना है अगर आप पहली बार कर रहे हैं और आपने किया है पहले तो साइन इन कीजिए। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंटर करना है, पासवर्ड डालना है, साइन इन करना है। अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लीजिए OTP से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से लॉगिन हो जाऊँ। दोस्तों तो लॉगिन करने के इस तरह की लोडिंग आएगी और आपके सामने क्लाउड गेम का होम पेज खुल जाएगा जो कि इस तरह का दिखता है और साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गेम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। ऊपर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, अभी तो हमें कुछ सेटिंग करनी है जो कि जरूरी है, तो मैं सेटिंग में चलता हूँ। तो सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, हमें यहाँ पे एक सिलेक्ट करना है सर्वर। तो यहाँ पे सिलेक्ट सर्वर का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे इस तरह की लोडिंग होगी और इसी लोडिंग होने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे नाम दिख जाएंगे, ये सर्वर के नेम है। तो हमें इसे पहले वाला जो सर्वर है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको टेस्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे मैं टेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये टेस्ट होने दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से इसकी टेस्टिंग होगी और इस तरह से कुछ सक्सीड आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है, वापस से उस पर क्लिक कीजिए और इस बार सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको बैक आना है, होप आपका वो वहाँ पे सिलेक्ट हो जाए, अगर नहीं होता तो वापस एक बार ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे, तो आपको सर्च वाले पे क्लिक करना है जो कि सर्च का आइकॉन है, उस पर क्लिक कीजिए। आपके सामने कुछ इस तरह की लोडिंग होगी और यहाँ पे आपको सर्च का बटन वगैरह दिख जाएगा जहाँ से आप गेम सर्च कर सकते हैं। मैं 2K17 चाहिए तो मैं 2K17 पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियोज वगैरह देखने को मिल जाएंगे जहाँ से आप वीडियो स्क्रीनशॉट वगैरह देख सकते हैं, बट हमें गेम खेलना है तो मैं स्टार्ट गेम पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरह का आएगा, मैं यहाँ पे डोंट रिमाइंड मी अगेन और ओके कर देता हूँ। ठीक है, और लोडिंग होगी, उसके बाद स्पीड टेस्ट करना है आपको, स्पीड टेस्ट पे क्लिक कीजिए और इस तरह इसे होने दीजिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। दोस्तों अभी ये लोडिंग पूरी होने वाली है, देखते हैं लोडिंग होने के बाद क्या आता है। ऐसा आएगा, यहाँ पे आपको प्ले का ऑप्शन दिखेगा, जैसे आप प्ले पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह की लोडिंग होगी। ठीक है, ज्वाइन द क्यू सक्सेस, ऐसा आपके सामने आएगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा,
यहाँ पे आपको ये नंबर दिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक नंबर दिखेगा 19 नंबर, यहाँ पे लिखा है मेरे वक्त, तो आपके वक्त ही अलग हो सकता है। ये इतने लोगों के बाद आपको मिलेगा, ये जल्दी ही हो जाता है। जैसे ये एक पे आएगा आपके यहाँ पे प्ले का प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वीडियो थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ यहाँ से, जैसे ही एक आएगा मैं वापस रिज्यूम करता हूँ। दोस्तों जैसे आपकी लोडिंग और क्यू खत्म होगी आपके सामने ऑप्शन आएगा एक नंबर का, और बस यहाँ पे ये कंप्लीट होने ही वाला है। हमारे सामने एक और पॉपअप आने वाला है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों इस तरह का आपके सामने पॉपअप आएगा, स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब आपको 20 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको, इसके बाद आपको एक वहाँ पे इसका गाइड वगैरह दिखेगा, उसके बाद आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी मेरे यहाँ पे कॉन्स्टेंट नेटवर्क नहीं है, काफ़ी कम स्पीड है, उस वजह से ये गेम थोड़ा बहुत लैग कर सकता है, तो देखते करता है या नहीं, ठीक है। और बस आपको कल वीडियो देना था, उस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा, आप थोड़ा सा गेम प्ले देख लीजिएगा, और अगर आपको स्मूथ वाले गेम प्ले चाहिए तो वो भी मैंने आगे लगाया है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे आपको लिंक होगी, वहाँ से आप स्मूथ गेम प्ले वगैरह भी चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। Through the highways, hello.